आज के दौर में सच्ची समाज सेवा क्या है, यह संदेश शिक्षक सम्मान समारोह में दिया गया। महमूदाबाद के एक निजी लॉन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। और हमारे जो अन्य शिक्षक गण हैं, चाहे मंच पर हों चाहे मंच से नीचे हों, उनके दिशा निर्देशन में हमारे बच्चे आगे बढ़े और भारत का भाग्य हमारे आपके बच्चों में जुड़ा है, उनको आगे बढ़ाए। हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं, मैं व्यक्तिगत सबको जानता हूं, जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। आज तमाम चीजें हैं, हमारे सरकारी शिक्षक हैं, एडेड शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हमारी एक अनुरोध है, हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षक हैं, चाहे प्राइमरी हो, एडेड हो या इंटर कॉलेज हो या हायर एजुकेशन में हो, और जो एडेड कॉलेज के शिक्षकों से हमारा अनुरोध है कि हम उन शिक्षकों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं जो मॉन्टेसरी में या विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाते हैं। वो ट्यूशन करते हैं और ट्यूशन करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो 3,000 को 4,000 को 5,000 को 7,000 को 30,000 को 38,000 अपनी योग्यता था उन शिक्षकों को उन विद्यालयों से मानदेय या वेतन मिलता है। हमारा सबसे तो ये आग्रह है कि हम कहीं भी पढ़ा रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हैं। खाली समय जो आपका हो, आपको बच्चे से 500 रुपए महीने नहीं लेना है, जो खाली समय हो उस खाली समय का सदुपयोग करके आप जहां भी रह रहे हो, अपने गांव में हो, किसी मोहल्ले में हो, कस्बे में हो, अगर अगल बगल के 10-20 बच्चों को आपने पढ़ा दिया तो इससे बड़ी समाज सेवा भी हो नहीं सकती। इस साल शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कंपोजिट विद्यालय गोधौरी महमूदाबाद के शिक्षिका ममता देवी और खैराबाद के मिश्रपुर की नीलम कुमारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। हमारा ये ब्लॉग कई मायने में कई चीजों के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में। और मैं जनपद में, चूँकि मेरा ब्लॉग जो है वो जनपद से 8 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है, तो मैं जनपद के सभी कार्यक्रमों में लगभग सम्मिलित रहती हूँ और हमेशा महमूदाबाद ब्लॉक के उपलब्धियों पर गर्व करती हूँ और वहाँ के अधिकारियों से अपने यहाँ के ब्लॉक की प्रशंसा सुनती हूँ। कहते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि महमूदाबाद ब्लॉक में शिक्षा का स्तर दिनों दिन इतना ऊंचा कैसे हो रहा है, और वहाँ के बच्चे दिनों दिन हर क्षेत्र में अपना झंडा कैसे गाड़ रहे हैं, तो उसका साथियों सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के शिक्षक गणों को जाता है, यहाँ के अभिभावकों को जाता है और यहाँ की जागरूक जनता को जाता है। जिन्होंने हमको इस लायक बनाया, हमको यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने पूरा एफर्ट किया, हमारे लिए कितना संघर्ष किया, और ये पुरस्कार हमारे पूरे क्षेत्र का है, आप सब का है, हमारे जो सीनियर टीचर हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनका है, हमारे विद्यालय का है, हमारे विद्यालय के बच्चों का है, जिन्होंने हमें वो कम्फर्ट जोन दी, काम करने के लिए हमें सहजता दी तो हम काम कर पाए। अगर हमारे रास्ते में, हमारे कार्य करने के मार्ग में तमाम बाधाएं होती और हम उनसे लड़ ना पाते, लेकिन आप सभी मेरे साथ एक स्तंभ की तरह खड़े रहे, मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया और मेरे मार्ग की बाधाएं हमेशा हटाते रहे, तब जाकर हम इस जगह पहुंचे हैं, उसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। शिक्षक सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक विद्या प्रसाद, प्रेमचंद, रामनाथ, रहमत अली, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ, सुधा वर्मा, शिवराम शरण, नजफर प्रवीण, गजराज प्रसाद तथा ममता देवी के पिता पूर्व शिक्षक सुमेरी लाल को माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, पहला अजय यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ओम प्रकाश वर्मा, समाज सेवी अरुण कुमार वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के प्रबंधक अजय वर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हंसराज वर्मा, ज्ञानेश मिश्र, अनुपम भाकियू के गणेश वर्मा तथा टीम पहल सहित कई संगठनों व समाज सेवियों द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।